हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिस कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा की एम्प्लॉय काम करते हैं और यहाँ पे आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा की जो कि हार्ड नहीं है। यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे जॉब मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे हार्ड वर्क यहाँ पे एम्प्लॉय जो कि रिक्वायर होता है। तो दोस्तों, इस कंपनी के नेम है आप लोग अभी जानते हैं डाबर। डाबर एक कंपनी है जो कि यहाँ पे आपको सब कुछ आपको मिलता है। हेयर से आपको सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस कंपनी के बहुत सारे जो कि प्रोडक्ट यहाँ पे होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आपका खुद के बिजनेस खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ के काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे काम जो कि फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो कि बहुत पोस्ट निकला हुआ होता है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से जो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के लिए आपको इस पेज में आना होगा। इस पेज का लिंक मैं ऑफिशियल पेज का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसको क्लिक करके रिसेंटली डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। दोस्तों, इस पेज में आने के बाद आपको क्या करना होगा। इस पेज में आने के बाद आप लोग देख सकते हैं नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म को आपको फिलअप करके जो कि सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको इंटरव्यू के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं देना पड़ेगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। आपको यहाँ पे बस वर्किंग इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद अगर आपका जो कि सिलेक्शन हो जाते हो उसके बाद आपका ये जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट जो अभी आप लोग बता देता हूँ किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको फर्स्ट फंक्शन जो कि है आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आप कौन सा कैटेगरी कौन सा डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आपको यहाँ से वो सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ भी आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या डिपार्टमेंट यहाँ पे है। फर्स्ट जो डिपार्टमेंट है सेल्स, सेकंड है मार्केटिंग, उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंस एंड अकाउंट, पैकेजिंग एंड प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई चेन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिटेल एज एंड बी स्टोर्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन एंड अदर्स। तो दोस्तों, इससे आपको कोई भी आपको जो कि डिपार्टमेंट है आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एंड कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप क्वालिफाई करते हो उस डिपार्टमेंट के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, मानिए आप सेल्स के लिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर आपका जो नेम है आपको यहाँ पर वो देना होगा पूरा नेम। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर देना होगा। उसके बाद आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका एज जो है आपको देना होगा, आप कौन सा इलाका से या आपका लोकेशन क्या है, आप साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ से कौन से लोकेशन से बिलोंग करते हो आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है आपको यहाँ पे वो देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमबीए, पीजीडीएम, एमसी, एमएससी एक्सेट्रा, ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम, बीएससी एक्सेट्रा, इंजीनियरिंग, बीटेक, बीई एंड डिप्लोमा। तो दोस्तों, इसमें से अगर कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको कौन सी यूनिवर्सिटी थे आप कंप्लीट कर चुके हैं उसको यहाँ पे देना होगा, उस यूनिवर्सिटी के नाम यहाँ पे देना होगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की टाइप, आप फुल टाइम या पार्ट टाइम एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के थ्रू आपका जो क्वालिफिकेशन है आप कर चुके हैं, आपका जो डिग्री हासिल कर चुके हैं उसको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद अगर आप करेंटली कोई एम्प्लॉय है या कुछ भी काम करते हैं उसके डिटेल यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं है तो आप फ्रेशर के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रिज्यूम है आपको यहाँ पे वो देना होगा। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। आपका रिज्यूम देने के बाद आपको सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपको चला जाएगा। उसके बाद आपको
जो अगर आपका रिज्यूम सिलेक्टेड होता है उसके बाद आपको कॉल आएगा फॉर द इंटरव्यू, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ से आपका जो जॉब यहाँ पे यहाँ से आपका सुइटेबल जैसा जॉब है कोई भी जॉब है तो आपको मिल जाएगा। दोस्तों इस तरह से आपको जो कि डाबर में आपको अगर चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते कोई भी पोस्ट के लिए या कोई भी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पे आपको जो कि अप्लाई कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना होगा, उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये फॉर्म जो कि फिलअप करना होगा। तो आज की वीडियो में मैं यहाँ पे आपको ये बताया कि डाबर कंपनी के थ्रू आप डाबर कंपनी में किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को, इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो भी देखना भी मत भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।